हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एन डी एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ। क्या ये वैकेंसी? एनटीपीसी, जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी, जिसमें कि आपका डिप्लोमा एंड बीटेक भी अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और साथ ही जो है कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसमें आपके वैकेंसीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ जो आपको देखने को मिल रही है ये है 52, ठीक। और इसमें जो है आपकी पोस्ट की बात करें तो ये है माइनिंग ओवरमैन के लिए ये 52 पोस्ट निकाली गई है, और इसके साथ ही आपका मैगजीन इंचार्ज के लिए टोटल 7 पोस्ट निकाली गई है। टेक्निकल सुपरवाइज़र, जो कि मेनली हमारा जो क्वालिफिकेशन किए हुए रहते हैं, इसमें आपके लिए टोटल वैकेंसी जो है वो 21 दी गई है, जिसमें जनरल की 17 है, एसटी की 4 है। और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है तो आप जो है 13 पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें जनरल की 11 है, 2 है एसटी की। और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 3 वैकेंसी दी गई है। इसी के साथ में जूनियर माइन सर्वेयर के लिए जो वैकेंसी है ये है टोटल 11, जिसमें जनरल की ही 11 पोस्ट है, बाकी किसी की भी कोई पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और माइनिंग सिरदार के लिए भी टोटल वैकेंसीज जो है ये 7 है, और एससी की 1 है। जिसमें ये तो इतना आपको पता चल गया कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नोट जो यहाँ पर आपको दिया गया है, आप यहाँ पर जो है वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है, ये तो हर वैकेंसी में देखने को मिल ही जाता है। और इसके साथ में एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया की बात करें तो माइन ओवरमैन के लिए जो रेगुलर डिप्लोमा जो कि माइनिंग में अगर कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बहुत ही रेयर केस में इससे कोई डिप्लोमा किया करते हैं। और इसी के साथ मैगजीन इंचार्ज के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन विद 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो ये मैंने बता दिया, ये माइनिंग ओवरमैन और मैगजीन इंचार्ज दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। मैकेनिकल सुपरवाइज़र के लिए अगर बात की जाए तो 60% मार्क्स एससी एसटी के लिए मिनिमम रखे गए हैं, और इसके लिए जो है मैकेनिकल डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। और नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं ये है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र। तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए फुल क्लास इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यदि इससे आपने 60% मार्क्स से अगर क्वालिफाई कर रखा है, डिप्लोमा किया हुआ है एससी एसटी क्राइटेरिया से हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए जो है डिप्लोमा इन माइनिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और 60% मार्क्स आपसे यहाँ पर मांगे गए हैं। और जूनियर माइन सर्वेयर के लिए भी फुल क्लास माइन सर्वे या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्विंग, और डिप्लोमा इन सिविल से अगर कर रखा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 60% मार्क्स यहाँ पे भी मांगा गया है, तो मिनिमम क्राइटेरिया 60% रखा गया है। माइनिंग सिरदार के लिए 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 60% मार्क्स यहाँ पर भी कंपलसरी है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है, और इसी के साथ में आप जो है ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए careers.ntpc.co.in पर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए जो है 40 साल यहाँ पर अपर एज लिमिट दी गई है, जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल, और लैंड ओएसटी के लिए 5 साल दिए गए हैं। मॉल्यूमेंट्स और सर्विस कंडीशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 to 6 के लिए जो है 50,000 रुपये आपको यहाँ पर देने के लिए है, और यदि आपने 7 यानी कि सिरदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 40,000 रुपये बेसिक पे आपको मिलेगा। इसी के साथ में TA DA HRA ये सब फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन जो रहेगा, इसमें रिटन टेस्ट रहेगा, इसके बाद में स्किल टेस्ट रहेगा। स्टेज वन में आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे, और रिलेवेंट डिसिप्लिन जो है आपके ट्रेड है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन रहेगा, और 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा, और 1/4 माइनस मार्किंग रखी गई है। मिनिमम क्राइटेरिया जो है 30% इन केस ऑफ एस सी एस टी ओ बी सी के लिए रखा गया है, और 40% जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। देन इसके बाद में मेरिट लिस्ट बनाएंगे और शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और इसके बाद में आपका सेकेंड स्टेज जो स्किल टेस्ट है ये रहेगा, जिसमें कि आपका टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है, विथ रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्लिन से रहेगा। 40% जनरल के लिए, 30% एस सी एस टी के लिए रखा गया है। और जो फाइनल सेलेक्शन रहने वाला है, तो सेलेक्शन बेस्ड ऑन द मेरिट इन द रिटन टेस्ट पर बेस्ड रहने वाला है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कैंडिडेट क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। यहाँ पर यह कहा गया है कि स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना है। टेस्ट सेंटर की अगर बात की जाए,
टेस्ट सेंटर की अगर बात की जाए फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो ये जो है एक तो रांची, झारखंड, इन दो जगह पर आपका जो है टेस्ट सेंटर रखा जाएगा। यहीं जाके आपको अप्लाई कर मतलब पेपर देना है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो हाउ टू अप्लाई करने के लिए ntpc.co.in पर जाकर आप कैरियर्स पर जाके अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है हाउ टू अप्लाई के दौरान, तो ये रहेगी आपका जो कि 300 रुपये। यहाँ पर साफ साफ आपको दे दिया गया है SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक। और ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट जो यहाँ पर दी गई है डिटेल, ये है आपका जो कि ओपनिंग डेट है 12 दिसंबर से स्टार्ट हो गया सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर तक चल रही है। तो आई होप कि आपको कंप्लीट डिटेल मैंने यहाँ पर बता दी है। और रोज़ाना हमारे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज 10th to ग्रेजुएट सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।